जैन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आपकी स्पोर्ट्स की तैयारी के साथ साथ आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये गोल्ड मेडल है पेरिस का। ये तो कुछ बच्चे या गार्जियन या पब्लिक में भी ये काफ़ी क्वेरीज रहती है कि क्या ये सही सोने का होता है कि नहीं होता है। तो उसी के उत्तर देने के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सही पूरे सोने का नहीं होता है। इसमें 6 ग्राम शुद्ध सोना होता है जो कवरिंग होती है इसकी, और 5.23 ग्राम चांदी होती, प्योर चांदी होती है, ठीक है। और कांस्य पदक में आपके टीन जस्ता से मिश्रित होता है, टीन और जस्ता। और मौजूदा ओलंपिक में 92.5 ग्राम प्रतिशत चांदी है, प्योर सिल्वर है, और 6 ग्राम कैरेट सोने का पर चढ़ा, आउटर चढ़ा हुआ है, ठीक है। ये तो हो गई इस टाइम की। लेकिन कोई स्पोर्ट्समैन से पूछे कि अपना गोल्ड बेचेगा या कोई भी मेडल बेचेगा? नहीं, अनमोल है उनके लिए, नहीं संभव नहीं है। लेकिन फिर भी एक एथलीट मेरी, जो उन्होंने सेल किया था ये ओलंपिक मेडल था उनके पास 1936 का बर्लिन का, जेसी ओन्स नाम था, उन्होंने जो सेल किया था तो 1.5 मिलियन डॉलर में सेल किया था। और उनका जो रजत था और गोल्ड, जो सिल्वर और गोल्ड जो उन्होंने सेल किया था, उसकी कीमत 18 लाख डॉलर और 11 लाख 2 हज़ार के आसपास डॉलर की थी, ठीक है। फिर भी अब इसके जो हम लोग पास्ट में चलते हैं, तो पास्ट में जब ओलंपिक का जो मेडलिंग सेरेमनी होती थी, उस टाइम ये जैतून के पत्तों का मुकुट देते थे, और फर्स्ट को और सिल्वर को आपको लॉरेंस के, ठीक है, ये मेडल दिए जाते थे। और 1900 में, 1900 में के आसपास पेरिस ओलंपिक जब स्टार्ट हुआ था, तो अधिकांशतः को कप और ट्रॉफियां दी जाती थी, ठीक है। और सेंट सेंट जॉन्स, सेंट लुइस 1904, सेंट लुइस 1904 में पहली बार ठोस सोने के दिए गए थे, 1904 में, ठीक है, पहली बार ठोस सोने के मेडल्स दिए गए थे। और इसके बाद लंदन ओलंपिक था। लंदन ओलंपिक में आपको स्वर्ण, रजत और कांस्य दिया गया था लंदन ओलंपिक में, ठीक है। और 1912 स्टॉकहोम, उसके बाद ओलंपिक हुआ, और स्टॉकहोम में आखिरी बार सोने का पर आखिरी स्टॉकहोम में ये लास्ट टाइम दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद अभी जो मैंने बताया कि 92.5 ग्राम चांदी होती है और 6 ग्राम केवल आउटरिंग होती है इसकी, कवरिंग होती है जो इसका, और बाकी जस्ता और टीन का ब्रांज होता है। तो ये इनका हिस्ट्री है, तो आप समझ गए होंगे कितना गोल्ड है कितना चांदी है। लेकिन फिर भी एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए कोच, ये हमारे लिए अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग स्पोर्ट्समैन की कदर कीजिए, उनकी भावनाओं की कदर कीजिए और उनको रिस्पेक्ट कीजिए। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।